हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, इंजीनियरिंग एम टू इनसेम कब है, इनसेम कब है, सबको यही फिक्र है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में डेट्स अनाउंस हो चुकी है, जैसे वेसिट का, जो वेसिट कॉलेज है मुंबई का, है ना, उसका है 26 फेब। और उसके अलावा और कुछ कॉलेजेस है, थाडोमल 28 फेब, और कुछ कुछ कॉलेजेस है, पुणे के भी कॉलेजेस ऑटोनोमस जो जो है उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है, कुछ कुछ की होनी बाकी है। और यूनिवर्सिटी का कब होगा सर? यूजुअली, और इस बार भी, लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपका इनसेम होने वाला है। यस, क्या क्या है बेटा, कौन से? लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, पढ़ाई पे लग जाना है, इनसेम में अच्छा स्कोर करना है। लास्ट टाइम देखा था ना, पेपर पूरा के पूरा गणित अंग से ही आया था, याद है कि नहीं आप लोगों को ये बात? यस, इस बार भी वही से आएगा। सर, आप क्वेश्चन बैंक देने वाले हो क्या? क्वेश्चन बैंक देने वाले हो क्या, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, या फिर आप वन शॉट लेने वाले हो क्या? बच्चों, इस बार मेरा है ना हाथ थोड़ा कम काम कर रहा है, आपको पता है ना, मेरे साथ ना जो है राइट हैंड नहीं है अभी ठीक मेरा, और अगले कुछ हफ्ते और नहीं रहेगा, ठीक है? दो आपकी इन सेम तक मेरा राइट हैंड शायद ठीक नहीं होगा। ओके, तो इसलिए बेटर है कि आप सारा जो है सेशंस से पढ़ लो, वन शॉट के भरोसे ना रहे। क्वेश्चन बैंक, यस, मैं दूंगा, जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है उनको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। कब मिलेगा? नेक्स्ट वीक में मिलेगा। लेकिन आपको पता है आपका सिलेबस क्या क्या होता है बच्चों? यस सर, है ना। चलिए पहली बात करते हैं हम लोग पुणे वाले बच्चों का। तो पुणे वाले बच्चे, ये जो है सिलेबस क्या है सर? फर्स्ट 2 यूनिट्स है, और हमने पूरे के पूरे पहले 2 यूनिट डाल दिए हैं। डाल दिए ना? यस बच्चों, पूरे के पूरे। अच्छा, बेसिक्स भी डाले मैंने, क्योंकि इंटीग्रेशन सबको नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पहले बेसिक्स डाले, जिसमें आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज लिस्ट सब रख सकते हो, ये यहाँ पे कवर कर सकते हो, क्योंकि M2 में बहुत सारा इंटीग्रेशन है, बहुत सारा इंटीग्रेशन। उसके बाद में सर, यूनिट 1 पूरा डाला है क्या आपने? यस डाला है। अब बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनस, फिर उसके बाद में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल या नॉन एग्जैक्ट जो कहते हैं वो, फिर उसके बाद में यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज या रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद PYQ सॉल्विंग, रिसेंट PYQ सॉल्विंग, ये जो नॉन एग्जैक्ट के हैं, 23 के क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन पुणे के, मुंबई के, क्या होता है पुणे के क्वेश्चन मुंबई में आते हैं, मुंबई के क्वेश्चन पुणे में आते हैं, तो बढ़िया मिक्स करके क्वेश्चन डाला है आपको, पिछले 5 साल के क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, बहुत अच्छे से सॉल्व किए। वीडियोज के फॉर्म में आप देख अभी देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो आपको ये सब पता है। और 2-3 सेशन आएंगे जिसमें हम और PYQs करेंगे, ये सिर्फ एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट के हैं, अभी और भी 2-3 सेशन आएंगे नेक्स्ट वीक में, और क्वेश्चन बैंक आएगी, ऐसे से हमारा यूनिट 1 पूरा पूरा हो जाएगा। कितना घंटा? हर सेशन आप देखो 30 मिनट का राउंड है, अगर 8 सेशन है और 2 आएंगे 10 सेशन, तो 300 मिनट्स, मतलब 5 से 6 घंटे में हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। यस बच्चों, 5 से 6 घंटे में खत्म, संपला। और यूनिट 2 पूरा डाला हुआ है। यस, यूनिट 2, यूनिट 2 का ओवरव्यू दिया है कि यार इस यूनिट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। पहला एप्लीकेशन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 डाले हैं वीडियोस, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डाला है, रेक्टिलिनियर मोशन उस पर भी 2 डाले हैं, उसके भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, हीट फ्लो, तो ये सारे एप्लीकेशंस और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, इसका भी क्वेश्चन बैंक तुरंत आ जाएगा। वन शॉट, आई एम नॉट श्योर, अगेन मैं कह रहा हूँ, है ना, अगर मुझे ठीक लगा तो पक्का, लेकिन ऑलरेडी बहुत लोड हो रहा है, अब मेरा हाथ ऑलरेडी थोड़ा ठीक नहीं है फिलहाल, ठीक है? तो आप वन शॉट के भरोसे ना रहे, वही यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो रखा है, ठीक है? आप कोर्स में फटाफट फटाफट एनरोल हो जाइए, और दोनों यूनिट हो चुके हैं। अच्छा, कुछ बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस के, ऑटोनोमस कॉलेजेस के, उनको यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए है, तो मैंने बीटा गामा फंक्शन के भी डाल दिए हैं, बीटा गामा फंक्शन पूरा हो गया है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है ना, ये भी आ ही गया है, एक आध दिन में आ जाएगा। फिर उसके बाद में कर्व ट्रेसिंग के भी हमने रेक्टिफिकेशन के डाल रखे हैं, रेक्टिफिकेशन कंप्लीट कर रखा है, बाद में डबल इंटीग्रल जो है वो भी डाल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग ऑटोनोमस कॉलेजेस है, अलग अलग सिलेबस थोड़ा बहुत होता है, मैंने कोशिश करी है कवर करने की जितना कर सकता हूँ, लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए तो पूरा पूरा सिलेबस हो गया है, अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है? ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों, वेट मत करिए, फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मेरे बच्चों। ओके, अब मुंबई के बारे में बात करें, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का भी 2 यूनिट होते हैं बेटा, ठीक है बच्चों? तो मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे 2 यूनिट होते हैं, आपके भी देख लेते हैं क्या कोर्स है आपका, क्या सिलेबस है आपका, ठीक? तो आपका भी इसमें मैंने पहले बेसिक्स डाले, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है ये पुणे मुंबई का, तो वही सारी बातें कि पूरे वीडियोस अच्छे से, फिर PYQ सॉल्विंग, ओके, यहाँ पे 9th 10th 11th वीडियो भी आएगा जो आपका, और क्वेश्चन बैंक भी आएगी। सेकेंड यूनिट भी पूरा पूरा डाला हुआ है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लगाते हैं, एक एक केस
छोटे छोटे वीडियोज है 30-30 मिनट्स के, और हर केस बाय केस यहाँ डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से, उसके नोट्स नीचे हैं। ऐसे करते करते देखिए 10 सेशन में इसको भी कंप्लीट किया, और इसका वन शॉट भी डाला है, इसका वन शॉट भी हो गया है, इसका क्वेश्चन बैंक भी हो गया है, सारा यहाँ पर 1 और 2 यूनिट पूरा पूरा है, पूरा पूरा। तो सिलेबस इनसेम का पूरा डन डना डन है बच्चों, अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस। मैं चाहता हूँ हर बच्चे का इनसेम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। बच्चों एक और बात, मुंबई यूनिवर्सिटी का अभी रिजल्ट आया था, बहुत मचाया है बच्चों ने, शेयर करूंगा मैं रिजल्ट फटाफट आप लोगों से, लेकिन बहुत मजा आया रिजल्ट देखकर बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग भी इन M2 में और मचाना है, M2 में धमाका करना है, मैथ्स इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अगेन जो बच्चे ऑटोनॉमस में उनके भी कुछ कुछ टॉपिक्स डाले हुए हैं, डबल इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, बीटा गामा फंक्शन, वो आप देख सकते हो, है ना। अगर आपके ऑटोनॉमस कॉलेज का भी सिलेबस सिमिलर है तो आप ये कोर्स फटाफट ले लीजिए, ओके फटाफट ले लीजिए। चलिए मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ अगले 3-4 दिनों के लिए, अगर आप लेते हैं अगले 3-4 दिनों में तो एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट STUDENT, क्या है STUDENT, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्रोमो कोड आखिर में लगाना है, ठीक है। इसके अलावा बाटू के भी कोई बच्चे जो है वो ले सकते हैं कोर्स, बाटू के बच्चों के लिए भी है। वेसिट वाले बच्चों का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, थाडुमल वाले बच्चे पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, बाटू जो है इनके भी आप देखोगे तो इनका भी मैंने 2 यूनिट पूरा पूरा कंप्लीट कर रखा है बच्चों पूरा। और एक यूनिट में मैं 10 वीडियोज के राउंड डालता हूँ, बहुत छोटे और बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से पेपर आएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो बाटू में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर्स है पूरा डाला हुआ है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा पूरा कंप्लीट करा हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी पूरा पूरा करा हुआ है, ठीक है। तो भैया अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मचाओ, है ना, अपना बेस्ट दो और मुझे बताते रहो कि क्या हुआ आपका रिजल्ट। और हाँ, बाकी यूनिवर्सिटीज का भी जब रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेम का M1 का बताते रहना, मैं ईगरली वेट कर रहा होता हूँ क्योंकि इतनी मेहनत आपको शाइन कराने के लिए ही है। तो इनसेम पे लग जाइए, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 8 से 10 दिनों में हमारी इनसेम आने वाली है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।